अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट वाले एपिसोड में माइकल ने अपने न्यू शोरूम के लिए 6 सुपर लग्जरी कार्स का जुगाड़ कर लिया था। पैसा ही पैसा हो गया क्योंकि हमारे शोरूम में काफी बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार थी, बाइक्स थी अच्छी अच्छी, लेकिन सुपर कार एक भी नहीं, जैसे लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सब हो गई। चल झूठा। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने सबसे पहले अपनी बुगाटी शेरोन वापस लाया था, जो कि हमने रिपेयर होने के लिए दे रखी थी। तो हमारी बुगाटी शेरोन $2.5 लाख में उस बंदे ने ठीक करके दे दी, और उसके बाद ट्रैवर ने भी अपनी 2 गाड़ियां हमें दे दी थी बेचने के लिए। अब वो गाड़ियां बिकेगी तो उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो अभी इससे ना ये फायदा कि हाँ भाई, ट्रैवर के थ्रू ना हमारे शोरूम में 2 न्यू सुपर कार रहेंगी, तो हाँ भाई बंदों को भी देखने में अच्छा लगेगा शोरूम। और बाकी ये जो हेलीपैड है, ये मेरे को ना सोच रहा हूँ कि अभी हटवा दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर आएंगे बेमतलब में जगह गिर रहे हैं। छत पर भी कोई ना कोई गाड़ियां लाकर खड़ी कर देंगे, जो पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी होगी छत पर खड़ी कर देंगे। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर। और यहाँ पर ना मैंने जितना भी बिल्कुल एकदम फालतू का ना कैफे वगैरह बनवाया था वो मैंने हटवा दिया है। अगर बनाना होगा तो यार अलग से बनाएंगे, शोरूम में नहीं बनाएंगे, शोरूम में एक छोटा सा बना देंगे अंदर ही, ऊपर छत पे नहीं बनाना भाई फालतू चीज। अभी फटाफट से ना नीचे चलते हैं, और नीचे आपको एक बहुत ही कमाल की चीज मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई जितनी भी गाड़ियां कल रात को टेनिस कोर्ट में पड़ी थी, तो भाई सारी की सारी ऊपर वाले फ्लोर पे धरवा दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जितनी भी बाइक्स हैं सारी की सारी यहाँ से हम ऊपर ले आए हैं। और भाई जितनी भी बाइक्स थी अभी ना मेन जो थोड़ी सस्ती बाइक और थोड़ी अच्छी बाइक है उनको ऊपर रखा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा महंगी जितनी भी सुपर कार्स है वो सारी की सारी मेन ग्राउंड फ्लोर पर है, जहाँ पर ऑफिस है। तो भी आपको एक और नीचे वाले फ्लोर पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या सीन है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम के सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार रखी है। तो सबसे आगे वाली जो रेड वाली कार है ना यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग 4 सीटर कार है, मतलब यार बहुत ही सास मार बोल रहे हैं। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके पीछे ये बफेलो है, ये भी बहुत अच्छी कार है, क्योंकि जितनी भी कार सारी की सारी बढ़िया है, और मॉडिफाई होने के बाद तो भाई अलग ही एकदम बढ़िया सी लुक आती है। और ये जो कार है ना, ये इसका जो टेक्सचर है मेरे को एकदम अलग सा ही लगता है, मतलब कि मन तो करता है खुद ही इस कार को चलाऊं। और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात पता है, जितनी भी कार है मैंने सब में हैंड ब्रेक लगा दिया, यानी कि इस टाइम पर ना मैं कोई भी कार चला नहीं सकता, बस उसके अंदर बैठ के उसका इंजन स्टार्ट करके साउंड सुन सकता हूँ। तो इससे अच्छी बात ये है कि कोई बंदा कार को देखने आएगा तो उसे टेस्ट कर सकता है, लेके भाग नहीं सकता, मतलब कि सारी की सारी कार एकदम लॉक हो चुकी है। और पीछे की तरफ अपनी ये वाली जो पिंक कलर की कार है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए। और एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसी एक कार हो रहा है जो कि ग्रीन कलर में है, और ये ऊपर से खुली है, और ये मतलब बॉयज वगैरह के लिए। जो भी है यार सारी कार ही बढ़िया, मेरे को तो एक भी कार बेकार नहीं लग रही, मतलब मॉडिफाई होने के बाद ना एकदम अलग ही लुक आ जाती है। अभी फटाफट आपको अपने मेन फ्लोर पर लेकर चलता हूँ, जो कि अपना फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पर अपना ऑफिस भी बनेगा। अभी फिलहाल ना जो वर्कर्स थे उन्होंने पूरा काम कंप्लीट नहीं करा, तो यानी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत काम हो चुका है लेकिन पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर ये अपना मेन फ्लोर है, सबसे आगे खड़ी है बुगाटी शेरोन, और यहाँ पर है मर्सिडीज, उसके पीछे फरारी, उसके सामने लैम्बोर्गिनी, और यहाँ पर अपनी खड़ी है ट्रोन बाइक, उसके सामने एक और लैम्बोर्गिनी। और इधर आप देख पा रहे हो ये जो कार है, कल रात में स्टील करके लाए थे, तभी ब्लैक कलर की थी, और मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज करवा दिया है। अभी फिलहाल पूरी थोड़ी बहुत मॉडिफाई करवा दी ताकि वो पहचान ना पाए बंदा। और ये खड़ी है अपनी हायाबुसा, जो कि भार वाला एडिशन, इसका टायर देखो कितना ज्यादा एक्सटेंड हो रखा है पीछे की तरफ। तो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल, ये अपना ऑफिस है। तो गाइस अभी आगे से चलकर मैं आपको एकदम अपना शोरूम दिखा देता हूँ कि मतलब कोई भी कस्टमर घुसेगा तो उसको किस टाइप से दिखने वाला है। तो भाई देखो, अगर अभी कोई भी कस्टमर हमारे शोरूम के अंदर एंटर होगा तो उसे कुछ इस टाइप की लुक यहाँ पर दिखने वाली है। एक सी कार्स बाइक्स खड़ी हुई है, मतलब यार एकदम मजा सा आ जाएगा। तो अभी ना लेसर ने मुझे कॉल करके बुलाया अपने घर पर, पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ। तो यार वैसे मैं सोच रहा था कि लेसर को भाई मैं मना कर दूं कि यार अब मुझे उल्टे सीधे काम नहीं करने, पुलिस वालों से लड़ाई या फिर गाड़ियों की चोरी, बड़ी बड़ी रोबरी, सब मना कर दूं, लेकिन चल झूठा, ऐसा अपना पुराना दोस्त है तो उसे मना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था एकदम रियल मनी कमाएंगे, ब्लैक मनी के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन यार अब लेसन बुलाया तो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ना गैराज डोर, ये अभी मैंने टेम्पररी लगवा दिया है, मतलब कि अगर कोई ढंग का डोर मिलेगा तो वो यहाँ पर लाकर वो लोग लगा देंगे, वर्कर्स वगैरह। अभी थोड़ा सा सब कुछ एकदम ढका रहा है, इसलिए हमने गैराज डोर लगवाया है। और सबसे अच्छी बात ये देखो, मतलब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हो एकदम CCTV भी हमने इंस्टॉल करवा दिया, पूरे के पूरे गैराज में CCTV इंस्टॉल हो रखे हैं भाई साहब, एकदम बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई भी गाड़ी चुराएगा, पहली बात तो गाड़ी चुराने से ही डरेगा, अगर बाय चांस चुरा भी लेता है तो भाई हमारा CCTV उसे पकड़ लेंगे भाई कि किसने कौन चुरा कर ले गया है। अब यहाँ पर ये देखो भाई, पूरे में CCTV लगवा दिए हैं। अब यहाँ पर ना भी शोरूम का नाम मेरे कोई दिमाग में आ नहीं रहा था, तो मैंने ओमेगा रखवा दिया। तो आप मुझे कमेंट बताना मुझे नाम क्या रखना चाहिए, उसे ओमेगा भी बहुत ही बढ़िया वर्ड है। अभी देखते हैं, वैसे ड्राइवर आते होगा, मैंने उसे बुला लिया कि शोरूम के बाहर आ जाए जल्दी से पिकअप कर, और लेस्टर नियर पर चलते हैं। तो भाई यार कुछ भी कहो, जब से शोरूम खुला है ना भाई, जिंदगी जीने का एकदम अलग सा ही मजा आ रहा है। मतलब कि देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे नाम, तो भाई एकदम अलग ही चोर से आते। ओके, तो यहाँ पर ड्राइवर भी आ ही गया, मतलब एकदम टाइम से नहीं आता, थोड़ा लेट हो जाता है।